की पुकार में आपका स्वागत है। एनसीटी में केजरीवाल के एक साल होने पर बीजेपी ने बोला हल्ला। भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद 7 दिसंबर को एनसीटी के इतिहास में काले दिन के रूप में चिन्हित करते हुए सिविक सेंटर के बाहर धरने पर बैठकर आम आदमी पार्टी का विरोध करने लगे। भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद 7 दिसंबर को एमसीडी के इतिहास में काले दिन के रूप में चिन्हित करते हुए सिविक सेंटर के बाहर धरने पर बैठ गए और आम आदमी पार्टी का विरोध किया गया। इनका विधायक लिखे या पार्षद लिखे, इनके माथे पे लिखा है वो क्या, इनको चोर कहने की इतना ही कह दिए कि केजरीवाल की पार्टी। आज की दिल्ली में भ्रष्टाचार का मतलब केजरीवाल है। आपको किसी को भ्रष्टाचार ही कहना हो तो कुछ मत कहेंगे, केजरीवाल कहेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या ऐसी चोरी की। और ये फेरिस्त अभी जो कल हमने दिखाई है ना, ये बहुत लंबी है और कल शाम को जो जानकारी मिली है 2-4 दिन उसको तैयार करने में लगे हैं खिचड़ी को, वो इससे भी बनकर आने वाले हैं। हम कहावतों में सुनते थे कि बंदर के हाथ को उस तरह लग गया तो क्या होता है, यहाँ देखने को मिलता है। आज हम नगर निगम के मुख्यालय पे हैं, ये शानदार बिल्डिंग आप लोगों ने बनाया। मुझे इसलिए याद है कि जब इसका भूमि पूजन माननीय अटल जी ने किया था तो मैं यहाँ मौजूद था, इस भूमि पूजन में बैठा था। और हम तो गिनवाने भी तैयार हमने क्या किया, धनावदार बंद इसने किए, जैसे बोलो धनावदार बंद इसने किए, जो वो कूड़े के जो प्लांट लगते हैं क्या, जिसका माननीय अमित शाह जी ने सबसे हाँ वो किसने लगाए, सफाई व्यवस्था किसने दुरुस्त की, शानदार जो कम्युनिटी हॉल बनाए एसी वाले भी बनाए कई सारे, किसने बनाए, प्रतिभा विद्यालय स्कूल इन्होंने क्या किया, मैं बताता हूँ इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे सफाई सैनिकों की पीठ पे चुना। हमने अपने 15 साल के शासन में 12,591 सफाई कर्मचारी पक्के किए, आज भी जो पक्के हो रहे हैं 50 होते हैं 60 होते हैं वो उस प्रोसेस के हो रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी शुरू करके गई थी। अभी आए इनके मुख्यमंत्री और ऐसे मक्कार मुख्यमंत्री हैं जो पते जाकर झूठ बोलते हैं कि हम 6,000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं। जरा कागज पत्र तो दिखा दो, कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं 11-11 महीने की, हम भी रखते थे तो हम लेकिन ऐसे ठेंगे नहीं मारते कि हम उनको नौकरी पर पत्ता दे रहे हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हैं उनसे भी 1-2 हज़ार कमीशन ले जा रहे हैं। और यहाँ ईश्वर की कृपा से ऐसे महापौर मिली है उसको व्हाट्सएप पे मैसेज आता है और उसमें भी आता है, वो व्हाट्सएप देखती है फिर अपने सामने नेता की तरफ देखती है उसके बाद डिसीजन लेती है। 6 बार पूछती है कि मुझे बोलना है कि नहीं बोलना, और उसको चलाता कौन है, दिल्ली सरकार का वो विधायक जिसकी पत्नी खुद 1.5-2 लाख रुपये की सिफारिश पर लगी थी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।